हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो मास्टर गुरु जी में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, फ़िलिप्स का इंडक्शन कैसे यूज करते हैं, तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसा ही यूज़फुल वीडियो मैं डेली अपडेट करते रहता हूँ दोस्तों अपने चैनल पर। और इसके बारे में जानेंगे दोस्तों, इस पर आपको मैं पानी गर्म करके भी दिखाऊंगा ये इसको कैसे यूज करते हैं और इसे कैसे क्या क्या चीज़ इससे पकते हैं। तो आज इसके बारे में जानेंगे, कितना स्पीड आपको रखना है, कितना नहीं रखना है, कितना हीट पे कितना क्या करना है दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ऐसे ही न्यू टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे दोस्तों ऑन ऑफ का बटन दिखेगा दोस्तों। तो यहाँ पे लाइट देने के बाद इसमें आपको इस पे ऑन ऑफ़ के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली इसके बाद आपको मैनुअल के ऑप्शन पे आ जाना है। तो मैनुअल के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैं पानी गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे पानी रख देना है आपका दोस्तों। फर्स्ट ध्यान रखना है यहाँ पे नॉन स्टिक का बर्तन होना चाहिए दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर जितना भी इस पर दाल चावल रोटी जो भी पकाने वाला बर्तन होता है वो मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं ये भी, और इसका जो इसमें बर्तन लगता है वो भी आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैनुअल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे शो होगा कि 00 दिखाएगा, और यहाँ पे जो भी आप सामान रखे हैं उसको कितना देर में आप पकाना चाहते हैं, यहाँ से टाइमर पर क्लिक करके यहाँ पर शो करेगा। ऐसे टाइमर अप डाउन कर सकते हैं और जितना टाइम में लगाना चाहें वो यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे पानी रख दिया मैं, और ये कितना देर में गर्म होगा उसके बारे में यहाँ पे आपको टाइमर लगा देना है। और दोस्तों स्लो कुक है तो स्लो कुक पे क्लिक करना है। प्रेशर कुक है, जैसे मैं कुकर हो गया तो उसको क्लिक करना है। इस पर मैनुअल ये तीनों पर क्लिक नहीं करना है। कुकर है तो इस पर क्लिक करना है, और स्लो कुक जैसे मैं खाना थोड़ा पकाना है, मतलब दोस्तों हल्का हल्का खाना पकाना है तो स्लो कुक पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे फ्राई करना है, कुछ भी फ्राई करना है तो फ्राई स्टीर फ्राई पे क्लिक करेंगे। रोटी डोसा बनाना है तो रोटी डोसा पे बनाना होगा तो रोटी डोसा पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से अप अप या डाउन करेंगे यहाँ से दोस्त, और यहाँ से पुश कर सकते हैं। कहीं आपको खाना बनाते समय कहीं कुछ हो गया तो यहाँ पर पुश कर सकते हैं या कुछ। तो दोस्तों मैं एक डेमो दिखाता हूँ इस पर पानी गर्म कैसे करते हैं, वैसे ही आप समझ जाएंगे इस पर कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए पानी गर्म के करके आपको दिखाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही यूज़फुल वीडियो मैं डेली अपडेट करते रहता हूँ अपने इस चैनल पर। तो चलिए पानी गर्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है दोस्तों, क्या क्या करने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कोई भी नॉन स्टिक बर्तन में आपको पानी ले लेना है, और पानी लेने के बाद दोस्तों उस वहाँ पे साइज़ बढ़िया से उसको सेट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे प्लग कनेक्ट करके उसको ऑन करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ऑन ऑफ का बटन पे रेड का बटन पॉप अप होगा, तो उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों उस पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं साइड के ऊपर में मैनुअल का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको भी आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट का टाइमर यहाँ पे लग चुका है, और टाइमर चेंज करना है दोस्तों तो यहाँ पे टाइमर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 30 सेकेंड का हो जाएगा, नहीं तो 2 मिनट का रखना चाहें तो 2 मिनट का रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप हीट को ऑफ करना चाहते तो ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा हीट होने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पानी गर्म हो रहा है, और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर लग चुका है मेरा 2 मिनट का। और वहाँ पे आप गर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइमर पे क्लिक करके 30 सेकेंड का टाइमर लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ऐसे ही आप पानी गर्म कर सकते हैं या कुछ भी खाना को बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक है, वहाँ से इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।